हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ लंदन ब्रिज और वहाँ से टावर ब्रिज भी जाएंगे, तो चलिए मेरे साथ एंड स्टे विद मी टिल द एंड। कुछ दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुआ है यहाँ पे लंदन में, लास्ट कुछ ईयर ऐसा नहीं हुआ, पर यहाँ के लोग बोलते भी हैं कि ये शायद पहली बार है इतना गर्मी। हम लोग पहुंच गए लंदन ब्रिज स्टेशन। थैंक यू। मैं कुछ दिन से कोलकाता का न्यूज़ फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, बंगाल न्यूज़। और न्यू मेट्रो ट्रैक का इनॉग्रेशन हुआ, वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप गौर से देखोगे तो जोका मेट्रो स्टेशन की ग्राफिक्स लंदन अंडरग्राउंड से काफ़ी मिलता जुलता है, बल्कि मैं कहूँगा ये एक चीप कॉपी है। ऐसे हमें पहले भी देखने को मिला चीप बिग बेन इन कोलकाता एंड ऑल्सो चीप हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता पाटुली। हमारे वहाँ क्रिएटिविटी की कमी है क्या? मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं था। आपको क्या लगता है, आप बताओ कमेंट में। एनीवेज चलो आपको घूम के दिखा दें। एक्चुअली एक गलत फहमी है कि लोग समझते हैं कि लंदन ब्रिज वो है, तो लंदन ब्रिज ये है। दूर जो दिख रहा है पीछे वो है टावर ब्रिज, वहाँ पे भी हम जाएंगे। थेम्स रिवर की दोनों साइड से ही वॉकेबल रास्ता है जहाँ से लोग पैदल जाते हैं। चलते हैं टावर ब्रिज में, आसपास थोड़ा घूमते हैं। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। यहाँ के पास से आप जब वॉक करोगे ना तो इट फील्स वेरी नाइस। लंदन ब्रिज एंड टावर ब्रिज के आसपास बहुत सारे आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। सामने जो दिख रहा है वो है वॉकी टॉकी बिल्डिंग। आगे एक ब्रोंज से बना हुआ शिप की स्कल्पचर है, जिसको देख के मुझे कैप्टन नीमो की नॉटिलस की याद आया। लेकिन इसका नाम है द नेविगेटर्स, और जो सिनेमा के बारे में मैं बोल रहा था उसका नाम है 20,000 Leagues Under the Sea। अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो देखो जाके, बहुत अच्छी मूवी है। सामने जो शिप दिख रहा है इसका नाम है HMS Belfast और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बैटल शिप है। फिलहाल तो अभी इसको म्यूजियम बना दिया गया है और आप टिकट लेके इसके अंदर जा सकते हो और देख सकते हो। Make some noise. Make some noise. From South London. Thank you.
थेम्स के उस पर जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, वो है टावर ऑफ लंदन। वहीं पे सारे क्राउन ज्वेल्स रखा हुआ है और हमारा कोहिनूर भी। और ये टावर ब्रिज का नाम टावर ऑफ लंदन से ही डेराइव्ड है। ब्रिज के ऊपर जो दो टावर दिख रहा है, एक है नॉर्थ और एक है साउथ टावर, ऊपर से दोनों टावर को जोड़ता है 2-फुट ब्रिज। ये टावर सभी म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी है, आप टिकट टिके जा सकते हो और ऊपर फुट ब्रिज से लंदन एंड थेम्स की व्यू एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं ब्रिज के ऊपर जाने वाला हूँ, पैदल ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद उस तरफ टावर ऑफ लंदन के सामने जाएंगे और आसपास आपको दिखाएंगे घूम के। इस ब्रिज का और एक स्पेशलिटी है, ये टाइम टू टाइम बीच से खुल जाता है ताकि नीचे से बड़े वेसल्स या जहाज या क्रूज क्रॉस कर पाए। दिन में 3-4 बार होता है ऐसे। थेम्स क्रॉस करके मैं आ गया टावर ऑफ लंदन के सामने और यहाँ पे भी आसपास आपको थोड़ा घुमा के दिखाते हैं। और पीछे ये जो आप तोप देख रहे हो, ये 18 इंच तोप है, इसी से ये लोग पहले राज किए हैं पूरे दुनिया में। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।